come on, Mahi. Ek sip to. Come on, just one sip, one sip. Yeah, that's the way. तुम अभी ट्रेडिशनली न्यूली वेड की तरह बिहेव मत करो। देखो मैं जानता हूँ कि बुजुर्गों ने कहा होगा कि ऐसा करना वैसा करना ऐसा ही करना ये मत करना वो मत करना, लेकिन अब ये सब भूल जाओ क्योंकि I'm there. So just be relaxed, be cool, be yourself, और just forget about all this. Yeah. Come on. तुम इतना ट्रेडिशनल बन रही हो तो मैं भी थोड़ा इंडियन बन जाता हूँ। ट्रेडिशनली खूबसूरत बीवी को देखता हूँ। Hold on, hold it right there. Just hold it. Beautiful. एक्चुअली माही मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन ज़रूर कहूँगा, मैं इस रिश्ते में बहुत लकी रहा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि मेरी शादी ऐसे होगी, इतने जल्दी होगी और कभी होगी भी। यू नो माही, मेरे सारे फ्रेंड्स को इतनी जलन होगी तुम्हें देखकर। यू आर जस्ट व्हाटएवर। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। कम ऑन, ये तो तुम्हें ये सब तुमने पहन के रखा है वो रीति रिवाजों के लिए। तुम तो वैसे ही हो, मेरे तस्वीरों की तरह हो। बिल्कुल मेरी तस्वीरों की तरह। दीजिए मम्मी जी। दादी जी चाय। माही जैसी नहीं बनी होंगी पर जैसी भी है अब आप लोग इसी की आदत डाल लीजिए। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मेरा मतलब पहले से पता होता तो कम से कम माही से चाय बनाना तो सीख जाती। सिखा तो दिया है माही ने हम सबको जिम्मेदारी उठाने का एहसास। इतनी छोटी सी उम्र में ना बड़ा कदम। सच के जाऊं मैं अपनी बच्ची पर। मोनी, तू रोने क्यों लग पड़ी? हमें तो अपनी बच्ची पे गुमान होना चाहिए। हाँ, और फिर आ तो रही हो पग फेरी पे? नहीं जी, वो आज नहीं आ सकती। दो दिन तक मुहूर्त ठीक नहीं है, बुरी दशा चल रही है। मोनी, पहले भी कई बार बच्चियां कार से बाहर गई हैं, हम भी गए हैं, कई कई दिनों तक उन्हें नहीं देखा, लेकिन ये शादी के बाद जब बच्चियां बाहर जाती हैं ना तो पराएपन का एहसास होने लगता है। मैं नहीं रुकती दो दिन, मैं अभी माई को फोन करके पूछती हूँ कि वो कैसी है। नहीं पुत्र, क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले? सुबह सुबह मुंह उठाए फोन कर दिया, दो दिन ही की तो बात है ना। बस दो दिन।
लो, यही घड़ी ढूंढ रहे थे ना तुम? हाँ। ये घड़ी आपको कहां से मिली? कहां क्या, यहां सारी घड़ियां रखी हैं। शब नाश्ते के लिए नहीं आया? अब कल ही उसकी शादी हुई है, नई बहू घर में आई है, लगता है आज तुम्हें अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा। नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। यशवंत, बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर, सुशील। गौरी याद आ गई। मुझे अभी भी याद है कि वो पहली बार इस घर में आई थी, ऐसी नाजुक, शर्माई, सकुचाई। शब बहुत भाग्यशाली है यशवंत। Good morning, dear. Hey, Dad. Morning, Dad. Good morning. क्या हो रहा है? Say this. चुप चुप जाओ बेटा. Stop. Every day it's going to. Hey, please. भाई, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. अरे, मेरे डैड ऐसे नहीं है अभी. He's very cool, Dad. इसे अभी भी लगता है कि आप वो ससुर टाइप हो. देखो, कहने में भी अजीब लगा, वो ससुर टाइप हो, आई मीन फादर इन लॉ टाइप हो, जो ये सब घूंघट वगैरह और ये पैर छूने की रस्म पसंद करते हैं। इसे समझा दो ना डैड। थोड़ा वक्त दो इसे शब्द, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। यू आर राइट डैड। चलें नाश्ता करें। हाँ, कम, लेट्स गो। अब तुम कहाँ जा रही हो? किचन में नाश्ता बनाने। इसे बता दो ये सब नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग हैं, हमारे पास सर्वेंट्स हैं। बेटा, घर में इतने नौकर चाकर हैं, रसोईया है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब है कि आप चलिए, आप नाश्ता कीजिए और ये घर बाहर संभालने का टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बहुत सारे नौकर। ओके, तो चलिए नाश्ता करते हैं। कम ऑन डीएम, कम डैड, लेट्स गो, कम। या शॉट बेटा लो। हाँ डीएम। हेलो बेटा, जोसेफ, चाय, कॉफी और दूध कुछ भी नहीं आया, ले आओ ना जल्दी से। आपकी बहन नहीं आई, वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करी। कामिया को अकेले ही खाना पसंद है, तुम शुरू करो ना। पराठे तो है ही नहीं, ये सब खाना पड़ेगा। आजकल की लड़कियां ना स्लिमिंग के चक्कर में ड्राई टोस्ट खा रही हैं। देखो, अरे कैलोरीज ना बढ़ जाए, वेट ना बढ़ जाए। माही, कम ऑन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वेरी स्लिम एंड ट्रिम यार, कुछ खा लो, टोस्ट पे बटर तो लगाओ। डीएम, इन्हें समझाओ प्लीज। हाँ हाँ बेटा, जूस लोगी?
एग्जाम के फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख कल है। सोनी तूने ठीक से पता तो किया है ना? हाँ दी, पता किया, एक बार नहीं दो दो बार पता किया। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस बार फॉर्म भर पाऊंगी। क्या मतलब है दी? दी अगर आपने कल फॉर्म नहीं भरा तो? जानती हूँ, मेरा पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। सोनी मैंने सोचा तो था कि शादी के बाद पढ़ाई जारी रखूंगी, पर अब लगता है ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। कमाल करती हैं दी आप, शादी हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जीना छोड़ देंगे। और वैसे भी दी, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल ईयर में आके आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आप एग्जाम्स नहीं देंगी? दी याद है आपको, आप ही कहती थी कि लड़कियों के पास अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो है शिक्षा का हथियार, और उन्हें पूरा अधिकार है इसका। और दी आज आप खुद, दी आप कल फॉर्म भर रही हैं। हाँ देखती हूँ मैं क्या हो सकता है। देखती हूँ मतलब आप कल फॉर्म भर रही हैं ना? हाँ सोनी, चल अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तो कल है, इसका मतलब है मम्मी जी से अभी पूछना पड़ेगा। क्या करूं मैं खुद भी तो आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो ये बात है, अब ये यहाँ रहकर अपने पढ़ाई लिखाई के शौक पूरे करना चाहती है। अच्छा है, पहले तो भाग के शादी करके अपने माँ बाप का खर्चा बचा लिया, और अब पढ़ाई का खर्चा भी यहाँ हमारे घर से निकलना चाहती है। पता नहीं पढ़ लिख कर ऐसा कौन सा दुनिया का बेड़ा पार करने वाली है ये। अच्छा और नहीं तो क्या, अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मैडम को अब फाइनल ईयर के एग्जाम में बैठना है, ग्रेजुएट हो गई तो पहले तो अपनी पढ़ाई लिखाई का रौब हम पर जमाएगी, और फिर नौकरी भी करना चाहेगी, और अगर नौकरी लग गई तो चार पैसे कमाएगी, और अभी जब कुछ नहीं है तो ये हाल है, कुछ करने लगेगी तो जमीन पर पाँव नहीं टिकेंगे महारानी के। पता नहीं आजकल की पढ़ाई लिखाई को क्या हो गया है, शांति की बातें तो सिखाते नहीं है, बस केवल क्रांति ही क्रांति। नारी को ऐसा होना चाहिए, नारी को लड़ना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करो वो करो। नहीं तो हमारे जमाने में सिखाते थे नारी को नम्र होना चाहिए, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी तो हम लोगों को देखो ऐसे हैं। और क्या, और एक ये है, अभी आएगी नाटक करती हुई, मासूम सा डरा सा सहमा सा चेहरा बनाकर बोलेगी, मम्मी जी मैं फाइनल ईयर के एग्जाम दे सकती हूँ? यहाँ मैं कौन सी उसे इजाजत देने वाली हूँ, उसके पूछने से क्या होता है, मैं जब तक ना कहूंगी वो कुछ नहीं करेगी। आने दो उसे, तब मैं कहूंगी, तब आएगा बड़ा मजा। आ रही है, मम्मी जी मैं आपसे ये पूछने आई थी कि मैं अपने फाइनल ईयर का एग्जाम देना चाहती हूँ। इसमें पूछने की क्या बात, मम्मा क्यों मना करेंगी, तुम बिल्कुल एग्जाम दे सकती। वीर, वीर पुत्र जीते रहो बेटा। पुत्र कैसे हो तुम? ठीक हो? अच्छा ये अचानक तुम आ गए, ना कोई खबर ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन। मम्मा अगर मैं बताकर आता तो आप सब लोगों के चेहरे पर अचानक जो एक खुशी आई है ये कैसे देखने को मिलती। कमाल है भाई, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, किसी को खबर ही नहीं है, होश ही नहीं है, कहाँ है सब? सब इधर ही है। अच्छा जीते, पापा जी, वीणा और मट्ठे कहाँ सब? ओए
ओ वीर पापा जी। ओ वीर पुत्र। ओ जिंदा रहे जिंदा रहे। भाई ते कैसा बैठे? तू कैसा है? बस ठीक। वीर पुत्र, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले ये बता पुत्र कि इस बार भी क्या कोड़े पे सवार होके आया हैं? कुछ दिन तो रहेगा ना तू? पापा जी, वो बात ऐसी है कि क्या हुआ? वो मैं आप सब लोगों को अभी बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर बताना तो पड़ेगा ही। छुट्टियों का तो ऐसा है कि एक्चुअली छुट्टी तो मुझे मिली ही नहीं। वो एक्चुअली मेरा ट्रांसफर हो गया है यहाँ। क्या? हाँ। ओए खुश किता ही पुत्र, ओए खुश किता ही। वीर पुत्र तू आ गया, हमेशा तेरी चिंता लगी रहती थी मुझे, अब तू हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। ओए मठे जा जरा मिठाई ले आ। जी मम्मी जी। ओ जाओ फटाफट जाओ। ए अरे भाई चलो चलो, हम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है ये ट्रांसफर भाई ने हमारे लिए किया है? अरे ये तो इसने इसलिए किया है क्योंकि ये भाभी के पास रहना चाहता है, भाभी के साथ रहना चाहता है। ओ चुप होए। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं ले लूंगी। माई बेटा क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? वो दरअसल ना माँ, मुझे ना नाश्ते में मम्मी जी के हाथ के आलू के पराठे खाने की आदत है, बहुत भूख लगी है। बेटा मैं तेरे लिए पराठे लाती हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी जी के हाथ के नहीं, मेरे हाथ के। चलेगा? चलेंगे। तुम जाओ, मैं लाती हूँ।